चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने नवंबर 2022 में अभी रिसेंटली पेपर हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका किसी न किसी रीजन की वजह से कोई ना कोई मतलब बाधा आई होगी इस पेपर। हो सकता है उनका हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग या थ्योरी कोई ना कोई पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रह गया हो। तो पहले तो मैं और मेरी पूरी टीम उन स्टूडेंट का धन्यवाद देती जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हमारे साथ इस सफर में कंटिन्यू रहे। और मैंने आपसे जब सफर स्टार्ट किया था या फिर जब भी आप मेरे साथ जुड़े से, एक प्रॉमिस मैंने आपसे हमेशा किया था और उस प्रॉमिस को मैंने बखूबी निभाया है। ये इस बात का प्रूफ है। आप मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में जब आप देखेंगे तो स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सर थैंक यू, आपकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई हो गया। बस ये मैसेज सुन के कहीं ना कहीं हमारा जो कम काम करने का जो मतलब लगन है, जो बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं हम दूसरे सेशन जो आने वाले सेशन होते हैं उनमें एक एनर्जी देता है। तो मैं और मेरी पूरी टीम उन स्टूडेंट का कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती है जिन्होंने अभी नवंबर 2022 में एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई ही नहीं बहुत अच्छे नंबर को एक्वायर किया है। तो मैं और मेरी पूरी टीम ये भी आशा करती है कि आपने जैसे सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया वैसे आप अपने लक्ष्य में सफल रहे। और मैं ये भी आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ सफर किया। और सबसे बड़ा टास्क था ये सफर में कि बहुत कम समय था, इवन आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 दिन का समय था। 5 दिन तो हमें ये सोचने में लग गया कि हम किस मेंटर के अंडर स्टडी करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें, किस मतलब कंटेंट, बहुत सारे पैरामीटर आपने लगाए थे मुझे सेलेक्ट करने में। कहीं ना कहीं आपने उन सारे पैरामीटर के बाद मुझे सेलेक्ट किया। तो लगभग 40 दिन में इस सफर में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया विथ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के साथ। साथ ही साथ में मैंने ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस ही कराया, मैंने आपको रिवीजन कराया, आपके टास्क भी कराए, और इवन आप ये मान के चलिए कि लास्ट के 15 डेज में मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट में कंटिन्यूअस बने रहे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने कम समय में और मिनिमम समय में हमने तैयारी की। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही अकेले लगे रह के ये सारी चीजों इस मुकाम तक हम पहुंचे। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लेता जब तक आप नहीं करते तो चीजें इस लेवल तक नहीं पहुंचती। आप सभी को भी पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ने रिकमेंड जरूर किया है कि अगर आप सीपीसीडी क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आगे का सफर अगर आप तय करना चाहते हैं। क्योंकि सीपीसीडी जब आपने हमारे साथ सफर किया तो एक बात कहीं ना कहीं मन में बैठ जरूर गई है कि आगे कोई भी एग्जाम हम देंगे या कोई भी कम से कम सर के साथ में जाके हमें चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। क्योंकि जो डर नाम की चीज होती है एग्जाम में बहुत स्टूडेंट फेस करते हैं, वो हमने कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट को जब हमने मॉक टेस्ट में सफर किया वो पहले ही दूर कर ली। जब हम एग्जाम में बैठे तो कोई भी चीज हमें नई नहीं लगी थी, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मानते हैं। जो नहीं मानते वो भी स्टूडेंट को कमेंट कर पूछ सकते हैं क्या ऐसा था। इसका सबसे बड़ा रोल है डर दूर करने का, ये सबसे बड़ी मतलब किसकी वजह से उपाया ये हुआ था, मॉक टेस्ट की वजह से। क्योंकि मॉक टेस्ट मैं हमेशा बोलता हूं और इस बार तो बहुत बोला था कि पावर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा मिलेगा मतलब मिलेगा, तो मिला भी था और हमने सफर भी किया था। तो फिर से अगेन तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को बखूबी निभाया। प्रॉमिस ये था कि मैं आपको जितना समय आप मुझे दोगे उतना कंटेंट मैं आपको जरूर देके जाऊंगा। और कंटेंट ऐसा नहीं कि कैसे ही उठा के, मैं रिलेवेंट कंटेंट देता हूँ, और रिलेवेंट कंटेंट का मतलब है एग्जाम ओरिएंटेड। कुछ लोग कहते हैं कि हम वही पढ़ाते एग्जाम, मतलब ये पढ़ लो एग्जाम में आएगा। अरे भाई आपको वही चीज दी जा रही है जो एग्जाम में आएगा, मतलब एग्जाम और ये चीजें सिमिलर हैं, कुछ भी अलग नहीं है।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अवर डियर स्टूडेंट जिन्होंने अभी सीपीसीडी नवंबर 2022 का एग्जाम क्वालिफाई किया। अगर आप आगे का सफर तय करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे जरूर मिलूंगा, लेकिन आपको जैसे ही मैंने सीपीसीडी क्वालिफाई कराया तो मेरे पीछे बहुत लोग आवाज लगा रहे हैं कि सर हमें भी सीपीसीडी क्वालिफाई करना है, हमें भी करना है, हमारा भी करा दीजिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब जिस भी एग्जाम के लिए आपने सीपीसीडी क्वालिफाई किया है मैं आपको वहां पर जरूर मिलूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने लक्ष्य की क्या सेट किया है। एक बार मेरे साथ जरूर डिस्कस कर लेना, क्योंकि कुछ पार्ट हैं जो आगे जिस एग्जाम के लिए आपने सीपीसीडी को सेलेक्ट किया था वो उनका सफर में कुछ चीजों के साथ आपके साथ जाऊंगा। हाँ, कुछ चीजों के साथ मिस भी हो सकता है क्योंकि सीपीसीडी के बहुत सारे स्टूडेंट आवाज लगा रहे, तो मैंने एक स्टेप आपको आगे पहुंचा दिया, नदी के उस पार भेज दिया है। अब मुझे वापस जाके उन स्टूडेंट को भी लेके आना है जो कहीं ना कहीं आपकी तरह ही परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ आगे सफर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाइए। मैं आपको उस मोड़ पर मिलूंगा जहां आपको घबराहट और डर नाम की फीलिंग आएगी। जब आप मुझे बुलाओगे उस समय मैं आपके लिए जरूर अवेलेबल हो जाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो सबसे बड़ा रोल रहेगा, सबसे बड़ा मतलब बाधा आती स्टूडेंट को मॉक टेस्ट की, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं हमारी तरफ रुख ले सकते हैं क्योंकि हम वहां पर आपको मिलेंगे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, अब काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका किसी रीजन की वजह से इस नवंबर 2022 में एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो भी टेंशन ना लें। जैसे हमने इन स्टूडेंट को उस पार पहुंचाया आपको भी पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं। क्लास में तो रहता ही रहता है सबके साथ कनेक्शन, लेकिन हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम वन टू वन सुनते हैं। यही सबसे बड़ा रोल रहता है कि हमारे स्टूडेंट उस पार्ट में स्कोर करते हैं जिसमें वो वीक होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वीक पार्ट में अगर आपने स्कोर कर लिया हमारे साथ तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप टेंशन ना लें, हो सकता है आपका इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकला हो सकता है आपका हिंदी टाइपिंग नहीं निकला हो सकता है आपका थ्योरी नहीं निकला तो जो भी पार्ट आपका मिसिंग है एक बार इस सीपीसीटी स्कोर कार्ड को कंप्लीट कर लीजिए। तो कंप्लीट के लिए मैं आपके लिए प्लान लेके आऊंगा नेक्स्ट डे में, तब तक आपको कुछ नहीं करना, बाकी आपको जो भी चीजें हैं वो आप संभाल लीजिए। बाकी मैं, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं जनवरी 2023 एग्जाम के लिए, तो मैं आपके लिए एक नया सफर स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट डे में उसका अनाउंसमेंट करूंगा कि कैसे कैसे हम सफर करेंगे आपके साथ अगले सीपीसीटी एग्जाम के लिए। ये वादा रहेगा आपसे कि जैसे मैंने नवंबर 2022 सेशन को क्वालिफाई कराया है वैसे ही मैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कराऊंगा। सबसे अच्छी बात रहेगी आपके और हमारे साथ जो आप चाहते हो वही होगा, मतलब जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो वही स्कोर आपको मिलेगा सीपीसीडी एग्जाम में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में। चाहे तो आप मेरे साथ अगले एग्जाम का सफर करेंगे, उसके भी बहुत सारे प्लान्स हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। अगर आप सीपीसीडी जनवरी 2023 के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका नेक्स्ट डे में प्लान लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप उससे पहले कुछ क्वेरी है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं उन स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें भरपूर वही कंटेंट दिया जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट था। और एक बार उन स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने सीपीसीटी नवंबर 2022 का एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि इतना आसान नहीं था 40 दिन में पेपर को क्वालिफाई करना, क्योंकि 40 दिन में समय कम था, सिलेबस उतना ही था जितने में। और हमारा प्लान तो आप सभी को पता है कि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है, हम अलग रास्ते से चलते हैं और आपको इतना सक्षम कर जाते हैं कि आप अगले एग्जाम के लिए जो भी आपका एग्जाम है वो एग्जाम आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अगर मैंने कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया तो बाकी सब्जेक्ट भी बहुत आप अच्छे से
कर जाओगे। चलिए तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे।